देखिए इस व्हील में डीप फ्लेंज है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग मेजर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग मेजर करेंगे। और आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये टच हो जा रहा है फ्लेंज में, ठीक है। और ये अगर डीप फ्लेंज नहीं रहता तो यहाँ पे गैप रहता, तो अब यहाँ पर जो डीप फ्लेंज हो गया। तो जैसे नया में है इस फ्लेंज का जो हाइट है, ठीक है, इस फ्लेंज का इसका 28.5 mm है, ठीक है। और अगर मान चलिए चलते चलते क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये दब जा रहा है, ठीक है, ये प्रेस हो गया चारों तरफ से, ठीक। तो उसके कारण क्या होगा, इसका जो है हाइट बढ़ जाएगा। तो ये अगर बढ़ के 35 mm हो जाएगा तो उस समय हम लोग कंडम कर देंगे, ठीक है, डीप फ्लेंज हो जाएगा वैसे में, ठीक है। तो अब इसको फिर से प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह से मेजर करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन यहाँ पर जो है टच हो जा रहा है, ठीक है। तो ये डीप फ्लेंज में जो है गाड़ी जो है ये कट जाएगी, ठीक। आपको जो है दूसरा व्हील दिखाते हैं, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। देखिए ये दूसरा व्हील है, इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये फ्लेंज में टच हो जा रहा है टायर डिफेक्ट गेज, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से जो है डीप फ्लेंज में इसको हम लोग कट कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है टर्निंग होगा, इसका प्रोफाइलिंग होगा, तो ये फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ये एक व्हील डिफेक्ट है डीप फ्लेंज का, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।